हाँ तो दोस्तों, मकर संक्रांति की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्काई ब्लू कलर लेंगे और जिससे हम उसका बैकग्राउंड कलर करेंगे। फिर हमने पर्पल कलर लिया है, फिर हमने इससे भी डार्क ब्लू कलर लिया है, फिर हमने इससे बैकग्राउंड को कलर किया है। इसके बाद में हमने एक स्केच पेन लिया है जिससे हमने पतंग बनाई है और पतंग के पास में थोड़े बादल बनाए हैं। फिर इसके बाद में हमने दूसरी पतंग बनाई है और फिर हमने तीसरी पतंग को बनाया है। तो इस तरीके से हमने फिर ब्लू कलर लिया है, फिर उससे हमने बादल को कलर किया है। इसके बाद में हम रेड कलर से फ्लावर को ड्रॉ करेंगे और तीनों पतंग पर रेड कलर फिल कर देंगे। के बाद में हमने पिंक कलर लिया है, पिंक कलर से दूसरे फ्लावर को कलर किया है। फिर हमने स्काई ब्लू लिया है, इसके बाद में हमने येलो लिया है। तो इस तरीके से हमने फ्लावर को कलर किया है। अब हम लाइट ग्रीन लेंगे जिससे नीचे की घास को बनाएंगे और फिर हमने ऊपर के बैकग्राउंड को लाइट ग्रीन से कलर किया है। इसके बाद में हम डार्क ग्रीन लेंगे जिससे हम पत्तियां बनाएंगे और फ्लावर की डंडी को ड्रॉ करेंगे और फिर हम थोड़ी डार्क करेंगे घास को। उसके बाद में हमने इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर फिल किया है। तो इस तरीके से हमने कुछ घास ऊपर की तरफ निकाली है और फिर हम इसे पतंग को थोड़ा और अच्छे से कलर कर देंगे ऑरेंज कलर से, तो जिससे ये काफ़ी उभर के आएंगी और अच्छी लगेंगी पतंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।